अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स फ्रेंड, ये मेरी पीसी स्क्रीन पे आपको दो सर्विसेज नज़र आ रही हैं। एक 2D है और एक उसी का जो है कॉन्सेप्चुअल व्यू आपको राइट साइड में नज़र आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ जेफ वीवर में, तो मैं ये इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इधर 3D व्यू में जो सरफस है वो भी नज़र आ रही है आप लोगों को। ओके, अभी मैं इसका ऑब्जेक्ट व्यूवर चेक करता हूँ। तो ये सरफेस है। एक्चुअली ये क्या है, ये प्लॉट का वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा प्लॉट है और इसका वॉल्यूम चाहिए। और इसके साथ जो है असल चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो ये बेंचिंग रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये एरिया काफ़ी अनइवन है। ठीक है, जिसकी वजह से ग्रेडिंग से ये नहीं हो रहा, तो इसको मैंने किस मेथड से किया है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये काफ़ी अच्छी सरफस बनी है, इसमें आप लोग देख सकते हैं। और इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि इसका जो OGL है वो कितना डिस्टर्ब है। इस साइड में काफ़ी हाई फिलिंग है और यहाँ से हाई कटिंग है और यहाँ आके फिर डाउन हो रहा है ये एरिया। यहाँ से फिर हाई जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये फिर डाउन की तरफ आ जाता है। ओके, तो मैं इसको स्क्रैच से स्टार्ट करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। ठीक है, ये वो प्लाट की बाउंड्री है। ठीक है, इसमें उन्होंने को जो रिक्वायर्ड है वो कट फिल रिक्वायर्ड है। ठीक है, और इसमें बेंचिंग रिक्वायर्ड है। ठीक है, बेंचिंग रिक्वायर्ड है तो वही हम बनाएंगे इसमें। तो मैं स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ उसको। इसमें जो यहाँ पे जो है ये जो शार्प कॉर्नर नज़र आ रहे हैं, मैं इनको थोड़ा सा फिलेट करके रेडियस देता हूँ ताकि हमारी ग्रेडिंग जो है उसमें आपको करने में आसानी हो। ठीक है, ओके, तो मैं पहले 7 मीटर देता हूँ ये जो छोटा एरिया है। ओके, ओके, अभी फिर मैं इसको फिलेट की कमांड देता हूँ। 5 मीटर का रेडियस देता हूँ मैं इसको ताकि हमारा ज़्यादा एरिया डिस्टर्ब ना हो। ओके, और यहाँ पे मैं इसको 10 मीटर का रेडियस दे रहा हूँ। ओके, FR, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा रेडियस मैं ज़्यादा रख रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं इसको 10 दे रहा हूँ। ओके, और बाकी जितने भी हैं इनको मैं 5 मीटर का, 5 यूनिट जो भी है इनको मैं 5 5 मीटर पे फिलेट कर रहा हूँ। ओके, ठीक हो गया। अभी ये जो है हमारी पॉली लाइन जो है उसमें हमने अपने रेडियस जो है वो एंट्री कर रही है, कर लीजिए। ओके, अभी इस पे हमको अलाइनमेंट क्रिएट करनी है। मैं होम टैब में जाता हूँ, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्रिएशन टूल फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ओके, मैं पॉलीलाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, जो भी डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है मैं उसी को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ओके, लेबल में हमें मेजर माइनर चाहिए बस। ओके, तो ये हमारी अलाइनमेंट बन गई है। इसका 0 पॉइंट जो है वो ऑलमोस्ट इधर आ रहा है। ठीक है, ये कर्व के पास में 0 पॉइंट आ रहा है इसका। ओके, तो ये तो थी हमारी अलाइनमेंट कि हमने अलाइनमेंट इस पर कैसे क्रिएट करनी थी। अलाइनमेंट हमारी क्रिएट हो गई है। अभी हमने इस पे अपना एक प्रोफाइल बनाना है। तो इस प्लाट का जो लेवल है वो कांस्टेंट है, 1568 जो मुझे दिया गया है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी एक ड्राइंग पे लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है, 1568 प्लाट लेवल। ओके, तो अभी इस पे मैं एक छोटी सी प्रोफाइल बनाता हूँ। उससे पहले मैं इसकी सरफस को इम्पोर्ट करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सरफस क्रिएशन टूल में जाएंगे। ओके, ये हमारी एग्जिस्टिंग ग्राउंड है। ओके, इसका जो भी लेवल है वो मैं इधर से स्टाइल वगैरह जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। मॉडिफाई में जाता हूँ, सरफेस, ओके, डाटा, 0.5। ओके, ये प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका ये OGL पड़ा है।
इसका ये फॉर्मेट है पॉइंट ईस्टिंग नॉर्थिंग सेट, ओके जी एलिवेशन। ओके तो ये सरफेस इसमें इंपोर्ट हो गई है। मैं इसका भी ऑब्जेक्ट व्यूवर आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये इस तरह की है ये सरफेस। ओके काफ़ी डिस्टर्ब एरिया है, ठीक है। यहाँ पे ये इनको ये पैड सा बनाना है, प्लॉट बनाना है, इसकी ग्रेडिंग रिक्वायर्ड है। ओके तो अभी मैं इस पर प्रोफाइल बनाता हूँ। ओके मैं इसको सरफेस को ऐड कर रहा हूँ ड्राइंग प्रोफाइल व्यू। ओके मैं इसको इजी का ही नाम दे रहा हूँ, एग्जिस्टिंग रूम नेक्स्ट। ओके और इसका जो लेवल है वो मैं इधर से डिफाइन कर लेता हूँ। या जो भी बाय डिफॉल्ट आ रहा है मैं इसको ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्रिएट सरफेस। ओके तो ये हमारी प्रोफाइल जो है वो बन गई, ठीक है। तो ये प्रोफाइल के बारे में हम बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, इसलिए जो है मैं इसके स्टाइल वगैरह को चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। तो अभी मैं फिर इस पर एक अपना डिज़ाइन का लेवल जो है वो क्रिएट करता हूँ। ओके प्रोफाइल क्रिएशन टूल। ओके मैंने प्रोफाइल व्यू को सिलेक्ट किया है और मैंने इसमें डिज़ाइन लिख दिया। ओके यहाँ पे हमारे पास जो कोई वर्टिकल कर्व नहीं है, ठीक है, हमारी स्ट्रेट लाइन ही आएगी क्योंकि हमारा एक ही लेवल है। तो मैं इस पर एक टेंजेंट ड्रा करता हूँ। ओके तो टेंजेंट कहाँ से मैं ड्रा कर रहा हूँ? ओके मैं ज़ीरो से लेके इसको एट द एंड, जहाँ पे हमारा एंड स्टेशन है, ठीक है, मैं वहाँ तक इसको ड्रा करता हूँ। ओके ये हमारा एंड स्टेशन है। ओके अभी जो है मैं इसकी प्रोफाइल की प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ। ओके और यहाँ पे मैं अपना लेवल जो है 1568 1568 ये मैं पुट कर रहा हूँ इसमें। ओके अभी अगर प्रोफाइल व्यू में हम देखें तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन जो है डिज़ाइन की वो इसमें लग गई है। ओके मैं प्रोफाइल प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ। ओके प्रोफाइल प्रॉपर्टी को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने अपने डिज़ाइन को सेलेक्ट कर दिया, तो इसका लेवल इधर प्रोफाइल में शो हो गया है। ओके यहाँ तक तो प्रोफाइल तक हो गया है। अभी हमें इसमें एक असेंबली चाहिए, तो मैं असेंबली क्रिएट कर रहा हूँ। ओके सिंपल असेंबली है। ओके यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये मेरा असेंबली टूल है। ये यहाँ से टूल पैलेट्स से, ये पैलेट्स में ये असेंबली का टूल पैलेट्स का पैनल है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इधर राइट साइड में या लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ओके यहाँ से आपने डे लाइट को सिलेक्ट करना है। डे लाइट में ये डे लाइट बेंच है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। ओके और यहाँ प्रॉपर्टी पे आपने सिलेक्ट करना है राइट। ओके और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसमें ऐड हो जाएगी। ओके इस असेंबली को मैंने अभी सिलेक्ट किया है और इसकी मैं प्रॉपर्टी मॉडिफाई कर रहा हूँ। ओके ये डे लाइट बेंच है, एज इट इज़ मैं नाम रहने देता हूँ इसका। कट फिल की जो स्लोप है, ठीक है, मैंने डिफरेंट स्लोप ट्राई की हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट यही है कि किसी एक स्लोप से बता दें, बाद में वो ट्राई कर लेंगे। तो मैं इसको बगैर वक्त ज़ाया किए मैं इसको मिनिमम रख रहा हूँ। 0.5 भी चल जाएगी, फिर भी 0.75 मैं रख रहा हूँ। मैक्सिमम कट उनका जो बेंच की हाइट है वो 10 मीटर है, तो मैं 10 ही रख रहा हूँ। फिल स्लोप जो है सेम ही रख रहा हूँ मैं, उनकी कोई भी हो वो कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैक्सिमम फिल हाइट में भी उनको 10 मीटर का ही बेंच चाहिए। ओके बेंच विड्थ जो उनको चाहिए वो 3.5 मीटर चाहिए और इसकी जो स्लोप है वो उनको -4% में चाहिए, ठीक है। तो इसमें इतना ही है, ठीक है, सेटिंग हो गई है हमारी, ठीक है। अभी हमने इस अलाइनमेंट पे अपना कॉरिडोर क्रिएट करना है। ओके होम टैब में कॉरिडोर में जाएंगे, कॉरिडोर। ओके और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ कॉरिडोर। अलाइनमेंट ऑलरेडी हमारी सिलेक्टेड है, डिज़ाइन प्रोफाइल सिलेक्टेड है, असेंबली हमने अभी क्रिएट की है और टारगेट और सरफेस जो है हमारी वो एग्जिस्टिंग ग्राउंड है। ओके और मैं इसको ओके कर रहा हूँ। तो ये कॉरिडोर इसने क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अभी इसकी थोड़ी सी हम एक दफ़ा ऑब्जेक्ट व्यू में इसको चेक कर लेते हैं कि ये कैसे बना है। तो ये कुछ ऐसे बना है,
ऐसे बना है ये, ओके। तो नो प्रॉब्लम, हम इसकी सेटिंग मजीद देख लेते हैं। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ। तो सबसे पहले तो जो है हमारे पास, हमने इसकी एक टॉप सरफेस क्रिएट करनी है, ओके, टॉप सरफेस, ओके। और यहाँ पे मैं टॉप लिंक जो है ऐड कर रहा हूँ इसमें, ओके। बाउंड्री में हमें कॉरिडोर का एक्सटेंट बाउंड्री को ऐड। अभी इधर मैं फिर पैरामीटर में आता हूँ और फ्रिक्वेंसी में जो इसमें 0.5 मीटर पे कर देता हूँ, और ये जो इंक्रीमेंट है कर्व पे मैं इसको 0.1 का मिनिमम रख रहा हूँ मैं इसको, ओके। ये सारी वैल्यूज जो हैं इनको मैंने मिनिमम पे रख दिया है, ओके। अप्लाई, ओके, रीबिल्ड, कॉरिडोर बिल्ड हो रहा है, ओके। ओके ओके ये कॉरिडोर अब बन गया है हमारा। अभी हम इसकी सरफेस का ऑब्जेक्ट व्यूअर चेक कर लेते हैं कि ये कैसा बना है, ओके। ये जो इशू है, ठीक है, इसको हम अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि ये इशू क्यों आ रहा है, ठीक है। मैं अलाइनमेंट प्रॉपर्टी में जाता हूँ एक दफ़ा, यहाँ से सिलेक्शन में मुश्किल हो रही है तो मैं यहाँ से अलाइनमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, ओके, प्रॉपर्टी, ओके, कंट्रोल स्टेशन। तो हमारा जो एंड स्टेशन है वो है 875.02, ओके, जीरो से स्टार्ट है और 875.02, अभी पहले मैं प्रोफाइल का स्टेशन चेक कर लेता हूँ कि प्रोफाइल में हमारा जो स्टेशन है वो कहाँ तक है। ओके, तो मैं इधर से एक दफा मैंने चेक कर लिया, ओके। अभी मैं कॉरिडोर का स्टेशन चेक कर लेता हूँ, ये ऑलमोस्ट ठीक है, ओके। अभी इसको मैं एक दफ़ा रीबिल्ड करता हूँ, चेक करते हैं कि इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा था वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। अभी भी कुछ एरर आ रहा है इसमें, ओके। अभी ये ठीक हो गया, ओके। तो अभी इसमें कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगुलेशन है, जैसे ये एरिया है, अगर आपको इसको टेपर ही रखना है तो आप टेपर रख सकते हैं, ओके। सजेशन यही है कि ये ट्रायंगल आपको डिलीट करने पड़ेंगे, नहीं तो इधर भी आपकी वॉल्यूम कैलकुलेशन एक्स्ट्रा हो जाएगी। ये कुछ ट्रायंगुलेशन है, ठीक है, ये डिलीट करने पड़ेंगे, ओके, और ये डिलीट करने पड़ेंगे, ओके। सरफस आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, सरफस A1 किस्म की बन गई है, ओके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी इसको मैं एक दफ़ा सेव करता हूँ, ओके। मैं आज की डेट पे इसको सेव कर देता हूँ, फाइल सेव हो गई है, ओके। मैं इसको एक दफ़ा क्लोज करता हूँ, ओके, रहने देता हूँ, ठीक है। अभी ये जो सरफेस बनी है इसको मैं इधर से एक दफ़ा एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आउटपुट टैब में जाएंगे, एक्सपोर्ट टू लैंड XML, ओके। तो मैं यहाँ से अपनी सरफेस को सिलेक्ट करता हूँ, ओके ओके। और ये ऑलरेडी मैंने एक करके देखा था, मैं इसी को रिप्लेस कर देता हूँ इससे, यस, ओके। अभी मैं न्यू फाइल में जाता हूँ, ये मैंने एक ब्रांड न्यू फाइल ओपन की है,
ठीक है, तो सेम प्रोसीजर है, पहले हम इसमें एग्जिस्टिंग सरफेस बनाएंगे। ओके, एग्जिस्टिंग ग्राउंड है, एग्जिस्टिंग ग्राउंड का हमने जो स्टाइल लिया था वो हमने 1 मीटर लिया था। ओके ओके, मॉडिफाई में जा रहा हूँ, सरफेस एड डाटा 0.5। ओके, और हमारी जो 0.5 है वो ये है। ओके, और ये इसका स्टाइल है। ओके, जेड इंटर, जी इंटर, तो ये हमारी एग्जिस्टिंग ग्राउंड इसमें आ गई है। अभी मैं इंसर्ट टैब में जाता हूँ, लैंड एक्सएमएल, और जो लैंड एक्सएमएल अभी हमने उधर से एक्सपोर्ट की है वो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। ओके, ये सरफस हमारी आ गई है। ठीक है, अभी इसको मैं क्या करता हूँ, इसकी ट्राइंगुलेशन जो है हमने थोड़ी सी एडजस्ट करनी है। ठीक है, इस सरफस के मैं स्टाइल में जाता हूँ। ओके, ट्राइंगुलेशन जो ऑन करता हूँ। ओके, और अभी जो इसकी ट्राइंगुलेशन एक्स्ट्रा है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ 1 बाई 1। ओके, ये उन पर डिपेंड करेगा, अगर उनको रखना है तो वो रख भी सकते हैं। ठीक है, जबकि मेरे हिसाब से ये जो है ये एक्स्ट्रा है, ये सरफेस जो है ये एक्स्ट्रा आ रही है इसमें। यहाँ से हमारी सरफेस क्लीन हो गई है। ओके, अभी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें। ओके, मैं यहाँ से भी इसको क्लियर करता हूँ। ओके, यहाँ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके, मैं यहाँ से भी इसको क्लियर करता हूँ। ओके, और जहाँ जहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रायंगुलेशन है मैं पूरी वो डिलीट कर देता हूँ। मैं वीडियो को यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ एक दफ़ा, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो।